सत श्री अकाल दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे जो हमारे 22 ब्रह्म पॉइंट हैं हमारी पूरी बाजू के अंदर। पूरी बाजू में है जो हमारे 11 लेफ्ट में 11 राइट में, तो एक ही हाथ का बता दूंगा मैं आपको, लेफ्ट का राइट में भी सेम है। सबसे पहले हम बात करेंगे शिप्रा मरम की। शिप्रा मरम लोकेशन का पीडीएफ आपको भेज रखा है। ये जो मरम है, हम अगर हाथ को ऐसे रखें तो ये जो पॉइंट है हमारा, अगर हम इसको ऐसे छुएंगे तो यहाँ पे, जहाँ पे हड्डी स्टार्ट होती है हमारी, खाली जगह वहाँ पे है। ये है, अगर हम ऐसे हाथ रखें, अंगूठा रखेंगे, उंगली रखेंगे तो ये यहाँ पर आता है। इसका जो परिमाप है आधी उंगली, इसका जो एरिया है आधी उंगली है, पूरी उंगली नहीं, इसकी हाफ उंगली। ओके, तो हमने इसको दबाने का तरीका देखना है। पहले एक अंगूठा और एक हमारी ये कौन सी है, इंडेक्स फिंगर, अंगूठा और इससे हमने दबाना है। अंगूठे को रखेंगे हम ऊपर, और ये उंगली नीचे, तो हम इसको वही दबाएंगे 18 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 दोनों हाथों के हमने दबाने हैं। ये तुम्हारे दो पॉइंट तो हो गए। ये अब इसके फायदे क्या क्या हैं, अब इसके जो फायदे हैं एक तो है टिंगलिंग और नंबनेस। किन्हीं के हाथों या पैरों के अंदर नंबनेस हो, हाथों और पैरों के दोनों के, तो आपने ये शिप्रा मरम हाथों का भी पैरों का भी, पैरों की भी लोकेशन आपको बता दी जाएगी, दोनों जगह के दबाने हैं। अगर हाथों में तो हाथों को दबाएंगे आपने, अगर पैरों को भी दबा देंगे जल्दी असर पड़ेगा। शिप्रा मरम टिंगलिंग होता है, कहते हैं कि हमारे हाथ या पैर कई बार सो जाते हैं, उसके अंदर सुइयां सी चुभनी शुरू हो जाती हैं, नमनेस हो जाती है, तो आपने ये जो शिप्रा मरम पॉइंट है इसको दबाना है, इससे ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। कई बच्चों को दौरे पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे, उसके लिए भी ये जो पॉइंट है इसको हम सिमुलेट करते हैं। कईयों को क्रैम्प्स आते हैं, हाथ या पैर कहीं भी हो, ये हम जो हाथों में क्रैम्प्स पड़ेंगे या हमारे पैरों में पड़ेंगे, लेग्स में पड़ेंगे, हमने दोनों पॉइंट दबाने हैं, हाथों के भी पैरों के भी। कईयों को हाथ पैर में झटके से लगते हैं, क्रैम्प्स हो गया, झटके हो गए, ठीक है। हील पेन,
इसको बोलते हैं कैलकैनियल स्पर। कैलकैनियल स्पर असल में जो हील के अंदर जो कैल्शियम जम जाता है, इसके लिए तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक्यूपंक्चर करते हैं, मरम पॉइंट में हम एक्यूपंक्चर कर देते हैं। आप इसको हाथ से भी प्रेशर दे सकते हो, उससे भी ये ठीक हो जाएगा। थायराइड हो किसी को, टॉन्सिल्स हो, सांस की तकलीफ हो, सांस जल्दी फूलता हो, या कोई ऐसी परेशानी हो, या किसी को बोलने में तकलीफ होती हो, तो उसके लिए हम इस मरम पॉइंट को दबाते हैं। अगर छोटे बच्चे आ जाएं तो हम उसके लिए थोड़ा सा गरम मस्टर्ड ऑयल लेकर उससे भी हम इसकी मसाज कर सकते हैं। या बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हों, वो जहाँ पे उनको पेन ज़्यादा हो रही है, तो हम थोड़ा सा गरम ऑयल लेकर इसकी मसाज कर सकते हैं। तो ये तो है हमारा शिप्रा मरम पॉइंट। शिप्रा कहते हैं क्विक को, क्विक जल्दी, इससे बहुत जल्दी इफेक्ट होता है। एक बार दोबारा से फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। हील पेन हो गया, एक दो में भूल गया, एक होता है इसके अंदर फिंगर्स में इन्फेक्शन हो जाती है, यहाँ पे अंदर की साइड, इसको कहते हैं पेल्नोकिया। पेल्नोकिया कहते हैं इसको, फिंगर्स की इन्फेक्शन हो जाती हैं, या कई बार आप देखेंगे कि नाखून के साथ जहाँ नाखून जुड़े होते हैं वहाँ भी मवाद इकट्ठा हो जाता है और पेन होती है, स्वेलिंग हो जाती है। उसके लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है ये। और किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो हाथों पैरों में, उसके लिए भी शिप्रा पॉइंट हमारी बहुत ही हेल्प करता है। जब कभी किसी के किसी बाजू में तकलीफ हो, फ्रोजन शोल्डर हो, या हमारा टेनिस एल्बो हो, तभी इसको शिप्रा मरम पॉइंट को भी हम सिमुलेट करते हैं। अगर हम सभी 11 के 11 पॉइंट सिमुलेट करेंगे, एक आदमी तकलीफ है तो हमें कितना टाइम लगेगा, एक मरम पॉइंट में हमें 20 सेकंड भी लगा लो आप, और 11 दबाने में आपके लगे हमारे 220 सेकंड, तकरीबन 3 से 4 मिनट। तो ये हमने कभी भी इसमें थोड़ा सा वो नहीं करना कि हमारे को यहाँ तकलीफ तो केवल यही दबाना है। अगर हम सारे मरम पॉइंट दबा देंगे तो आप देखोगे कि पेशेंट को कितनी जल्दी आराम आएगा, उसकी और भी जो प्रॉब्लम्स हैं जो उसने अभी तक आपको बताई नहीं, वो भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तो आज साहब शिप्रा मरम के बारे में, कल फिर अगले हम मरम पॉइंट लेते जाएंगे, पहले हाथों के 11, उसके बाद पैरों के 11। तब तक नमस्कार, हैव ए नाइस डे।